नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र आकर, वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में आपको इंग्लिश में टेंस कहते हैं, हिंदी में काल कहते हैं और संस्कृत में लकार कहते हैं। तो जी हम जैसे कि इंग्लिश में जैसे टेंस होते हैं, वैसे संस्कृत में भी टेंस होते हैं, तो हम वही पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली 5 टेंस हम पढ़ेंगे यहाँ पर, जो कि हमें ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है संस्कृत में, हम उन्हीं को ही कवर करेंगे। तो पहला टेंस जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका लट लकार। लट लकार को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल। लट लकार प्रेजेंट टेंस आपका वर्तमान काल। तो जनरली क्या होता है कि हम अगर हमें हिंदी में कुछ सेंटेंस दिए जाएँ, कुछ हमें वाक्य दिए जाएँ, तो हम उनको संस्कृत में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें टेंस नहीं आते। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। और अगर आप ये वीडियो से देखने से पहले आप एक और वीडियो देखें, जिसमें आपको मैंने फार्मूला समझाए थे लकार से रिलेटेड, जितने भी फार्मूले हैं, तो मैं आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, साथ में आई बटन में भी दे दूँगा। तो आप प्लीज़ पहले वो वीडियो जाकर देख लें, ताकि आपका ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए, फिर आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको आसानी से लकार समझ में आ जाएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियोस को लाइक कर दो, और हाँ कमेंट जरूर करना आपको वीडियो कैसा लगता है, कर दिया करो। चलो देखते हैं यहाँ पे पहले, अगर किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है आता है, वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते है आता है, तो वह जो लकार होता है वो आपका लट लकार होता है। क्या होता है वो आपका लकार? लट लकार होता है। तो जनरली हम इसको 3 वे में पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष के फॉर्म में पढ़ेंगे हम, फिर एक मध्यम पुरुष से पढ़ेंगे हम, और फिर हम उत्तम पुरुष से पढ़ेंगे। मध्यम उत्तम, अगर मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, अगर आपको तीनों चीज़ें नहीं पता, प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष क्या होता है, लट लकार के फॉर्मूले नहीं पता है, तो पहले आप वो पहले वीडियोस देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, फिर आप यहाँ पर आके देखिए तो आपको पूरा आप अच्छे से ट्रांसलेट कर सकेंगे। तो प्रथम पुरुष में आपका वह आता है। क्या आता है? वह घर। जैसे कि मैं एक सेंटेंस ले लेता हूँ, वह जाता है, वह जाता है, वह जाता है। तो इसको आप संस्कृत में कैसे लिखेंगे? तो वह लड़का है, तो लड़के को वह से क्या बोलते हैं? सहा। जाना मीन्स क्या होता है? गच। गच या गम मीन्स जाना होता है। अब आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे ती आएगा, गच ती। क्या आएगा? गच ती। शह गच ती। अब आपका सर ये ती कैसे लिख दिया, तो मैं आपको बता दूँ, प्रथम पुरुष के साथ ती, ता और अंति, ये 3 वर्ड यूज़ करते हैं हम, ती, ता, अंति। ती अगर आपका एक है तो ती करेंगे, अगर दो लोग जाते तो ता यूज़ करते, और अगर आपके बहुत सारे लोग होते तो अंति हो जाता। जैसे कि वे दो लोग जाते हैं, वे दो लोग जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? दो लोगों को क्या बोलेंगे यहाँ पे? सा तऊ बोलते हैं, तऊ, और यहाँ पे हो जाएगा गच, तऊ गच तह, तऊ गच तह। अब यहाँ पे ये नहीं होता, देखो पहले वह को क्या बोलते हैं, जाता को क्या बोलते हैं, इस तरीके से ही लिखना पड़ता है आपको। अब ऐसा बे सब जाते हैं, बे सब जाते हैं, तो बे सब को क्या बोलते हैं? ते बोलते हैं, ते गच, और गच्छन्ति हो जाए, ते गच्छन्ति, ते गच्छन्ति। वह जाता है, सह गच्छति, वे दो लोग जाते हैं, वे दो लोग जाते हैं, तऊ गच्छत, और वे सब जाते हैं, ते गच्छन्ति, ते गच्छन्ति। तो इस तरीके से अगर ये लड़की होती तो सा यहाँ पे ये चेंज हो जाते हैं, देखो सब्जेक्ट चेंज होगा, बाकी वर्ब जो है वही का वही रहेगा। तो ये सिंपल है, ठीक है। अब जैसे मान लो वह कहाँ जाता है, वह कहाँ जाता है, तो सहा कहाँ को कुत्र बोलते हैं, सहा कुत्र गच्छति। अब यहाँ पे मतलब क्या होता है, यहाँ पे जहाँ पे ये वह है तो वह के नीचे सह, कहाँ मीस कुत्र और जान मीस गच्छति। तो ये सिंपल बिल्कुल डिटो ट्रांसलेट आपको करना, बस हिंदी टू संस्कृत करना, और कोई भी उसमें चेंज नहीं, बस आपको मीनिंग पता होना चाहिए और रूल्स पता होना चाहिए। तो वह कहाँ जाता, तो सह कुत्र गच्छति। तो इसी के साथ अब हमारा ये प्रथम पुरुष का हो गया। अब हम आते हैं मध्यम पुरुष पे। मध्यम पुरुष में कौन आता है? तुम आता है। क्या आता है? तुम। जैसे तुम खेलते हो, तुम खेलते हो, तुमको क्या बोलेंगे? तुबम। तुमको क्या खेलते हो? खेलना मीन्स होता है क्रीड, तो क्रीड, और यहाँ पे अब क्या आएगा? तुबम। अधिकतर लोग क्रीड ती कर देते हैं, देखिएगा यहाँ पे होता है सी था, था
सी था था, तो यहाँ पे तुवम क्रीड सी हो जाएगा, तुवम क्रीड सी, तुवम क्रीड सी। अगर इसको मैं बोलूँ तुम दोनों खेलते हो, तुम दोनों खेलते हो, तो ये क्या हो जाएगा, तुम दोनों क्या बोलते हैं, युवाम, युवाम क्रीडतः, युवाम क्रीडतः, युवाम क्रीडतः। अगर इसमें बोलूँ तुम सब खेलते हो, तुम सब खेलते हो, तो क्या हो जाएगा, यूयम क्रीडत, यूयम क्रीडत, यूयम क्रीडत। ये चीज़ क्यों हो रही है, ये आप अगर वो वीडियो आपने देख लिया हो तो उसमें आपको पता चली गया हो, वरना मैं आपको बता दूं कि एक वचन के साथ सी करेंगे, दुई वचन के साथ था यूज़ करेंगे और बहुवचन के साथ था यूज़ करेंगे, सी थ था, सी थ था। ये चीज़ आई आपको समझ में, ये आपका मध्यम हो गया। अब आते हैं उत्तम पुरुष पे, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष मीन्स होता है मैं, तो उत्तम पुरुष में अगर एक वचन के लिए यूज़ करते हैं आमी आवह आम, आमी आवा आमा, जैसे मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, तो मैं के लिए होगा अहम, खाना मीस होता खाद, तो ये आमी तो खादामी, अहम खादामी, हम और हम दोनों खाते हैं, हम दोनों खाते हैं, तो जाएगा आवाम खादाव, आवाम खादाव, और हम सब खाते हैं, हम सब खाते हैं, तो वयम खादाम, वयम खादाम। तो समझ में आ गया आपको, सिंपल सा टेंस जो होते हैं इनमें बस आपको आमी आवा आमा, तीता अंती सीता था, इन सब का अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसके लिए आपको आपको धातु, धातु आई मीन वर्ब आपको याद होने चाहिए कि किसको क्या कहते हैं, तो उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो होप यू गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड आपको लट लकार, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में अपन मिलते हैं लट लकार के लिए, वीडियो को अंत तक देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।